नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आफ्टर इफेक्ट्स पे काम शुरू करने वाले हैं। ये है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके आफ्टर इफेक्ट्स की वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने बेसिक बिल्कुल कवर किया हुआ है, तो आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स सीख पाएंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स एक मोशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, तो हम आज इसमें सीखेंगे कि हम कैसे एक मोशन पोस्टर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले मुझे न्यू कंपोजिशन पे जाना है। अगर आपका आफ्टर इफेक्ट्स इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स वाला पार्ट या कोई भी आप पार्ट चूज कर लीजिए। इनकी पोजीशन अलग हो सकती है, लेकिन सब कुछ आपकी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपकी कंपोजिशन सेटिंग है, आप इस पे नाम दे दीजिए। इसका कुछ भी नाम है, मैं इसको लिख देता हूँ मोशन पोस्टर। अब मोशन पोस्टर करने के बाद मैंने जो रेजोल्यूशन लिया है वो है फुल HD का, आप कोई भी ले सकते हैं। तब मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपको सबसे पहले इसमें अपनी इमेजेस वगैरह इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास इमेज पड़ी है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यह मेरा प्रोजेक्ट पैनल है, मैंने इसके अंदर इस फोटो को डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसको कंपोजिशन पे, यहाँ पे जो मेरी टाइमलाइन है यहाँ पे ड्रैग करूँगा और इस तरह से मेरी फोटो यहाँ पे दिखने लगेगी। अब फिलहाल आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, तो एनिमेशन ऐड करने के लिए मुझे की फ्रेम लगाने होंगे। अब मैं जो एनिमेशन चाहता हूँ उसमें ये है कि ये ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, कुछ भी हम कर सकते हैं। मैं इसको नीचे से ऊपर लेके आता हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे सेट हो जाएगा, फिर हल्का सा यहाँ पे मूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक सेकंड पे जाऊँगा। अगर आपको यहाँ पे एक सेकंड की जगह फ्रेम दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, ये फ्रेम्स और सेकंड में आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं एक सेकंड पे जाने के बाद जो मेरी शूज़ वाली लेयर है, यहाँ से मैं कुछ भी काम करूँगा इस लेयर से ही काम होगा। अब मैं पी दबाता हूँ, पी का मतलब है पोजीशन। अगर आप पी नहीं दबाते हैं तो आपको पोजीशन जो मिलेगी वो ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगी। आपका ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको पोजीशन यहाँ पर दिख जाएगी। अब क्योंकि हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो इसलिए मैं पी दबाऊँगा। पी दबाने के बाद आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल कोई एनिमेशन नहीं है, तो चलिए मैं फिर से एक सेकंड पे जाता हूँ और पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक सेकंड पे इसलिए गया क्योंकि मुझे जो एनिमेशन है वो यहीं पे दिखाना है। यहीं पे मेरा जो मेन एनिमेशन ख़त्म होगा वो मेरा यहीं पर होगा, तो इसलिए एक सेकेंड पर जाके मैंने लगाया। अब शुरुआत में मैं फिर से जीरो सेकेंड पर आता हूँ, मतलब जीरो फ्रेम पर आता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पर आता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ करूँगा। आप चाहे तो माउस से कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप माउस से करते हैं तो हल्का फुल्का आपका कर्सर यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, हल्का फुल्का टेढ़ा हो जाएगा, तो उससे मोशन इतना अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए मैं हाथ से ना करके इसकी जो ग्राफ वैल्यू है यहाँ से चेंज करके इनको करूँगा। मैंने इसको नीचे की तरफ किया, ज़्यादा नहीं, इतना किया। अब यहाँ पर जाने के बाद अगर आप प्ले करके देखेंगे तो ये आपका छोटा सा एनिमेशन है। थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, तो मैं दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट पे जाके इजी ईज कर देता हूँ। इसका जो शॉर्टकट है वो है F9, आप F9 दबा दीजिए। मैं अगली बार से F9 ही दबाऊंगा। अब मैं यहाँ से ग्राफ एडिटर ओपन करूँगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में हल्का सा फ़र्क है, ये थोड़ा स्मूथ आके रुक गया, थोड़ा स्लो हो गया यहाँ पर रुकते हुए। मैं इसको और स्लो कर सकता हूँ, उसके लिए मैं इस पे इस वाले की फ्रेम पे क्लिक करूँगा और हल्का सा इसको इस तरह से कर दूंगा। अगर आपका ग्राफ इस तरह से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए किसी भी खाली एरिया में और एडिट स्पीड ग्राफ का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। आपका शायद ऐसे कुछ दिख रहा होगा, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वाले को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ उसको, देखा ये काफ़ी अच्छी तरीके से आके यहाँ पे रुक गया। अब शूज़ कुछ इस तरह से आता है। मैं चाहूँगा कि ये कुछ सेकेंड यहाँ पे रहे, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाए। कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से कुछ मूव करेगा, थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो की फ्रेम है ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी देर यहाँ पर रोकना है। ये यहाँ पर रुक नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे ये मूव ही हुए जा रहा है। तो मैं इस की फ्रेम को निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ 1 सेकंड 15 फ्रेम के बीच में। अब मैं यहाँ से जाके एक ब्लैंक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। ब्लैंक की फ्रेम का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इस वाली की फ्रेम की, यही सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो इससे ये एक होल्ड की तरह आ जाएगा। देखिए, मैं आपको करके दिखा दूंगा, आपको तब अच्छे से ज़्यादा समझ आएगा। मैं 2 सेकेंड पर जाता हूँ और इसको ये वाली वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये देखें, आपने देखा ये थोड़ा सा यहाँ पर शार्प एज है, पहले यहाँ पर राउंड था। अगर मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये हुआ,
हल्का सा रुका और फिर यहाँ पे चला गया। ठीक इस तरह से मैं एनिमेशन चाहता था। अब मैं इस वाले की फ्रेम को भी थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, थोड़ा स्लो ही लेके जाते हैं इस तरह से। यहाँ से स्लो होगा, फिर एकदम से फास्ट हो जाएगा, फिर वापस आते फिर से स्लो हो जाएगा। अगर आपको ग्राफ एडिटर के बारे में सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता दीजिए, मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो बना दूंगा। वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सिर्फ ग्राफ से खेल के ही अच्छे अच्छे एनिमेशन बना सकते हैं। चलिए मैं फिर से वापस टाइमलाइन में जाता हूँ और प्ले करके देखते हैं एक बार। बिल्कुल सही, मैं ऐसे ही कुछ चाहता था। अब एनिमेशन तो ठीक है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड ना थोड़ा खाली खाली लग रहा है, मतलब काले रंग का बैकग्राउंड है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें रंग डालते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू, न्यू पे जाने के बाद सॉलिड, सॉलिड को हम इसको बोल देते हैं बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड। आप कोई भी रंग ले लीजिए क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वापस इसके ऊपर एक फिल्टर डालेंगे। तो उसको ओके किया। ओके करने के बाद ध्यान दीजिए कि ये हमारी इमेज के पीछे हो, हमारे जो शूज़ वाली इमेज है उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड हो। अब वैसे तो मुझे वाइट भी सही लग रहा है लेकिन आप थोड़ा और रंग इसमें डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाऊंगा। यहाँ पे जाने के बाद मुझे लिखना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट लिखते ही यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखा देंगे, तो मैं 4 कलर ग्रेडियंट यहाँ पे ले लेता हूँ और उसको डाल देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको डाला डबल क्लिक करने के बाद तो ये इस तरह से आ गया, और ये जो मेरी सेटिंग है इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अब मैं फटाफट से इसका रंग चेंज कर देता हूँ। मैं कुछ इस तरह का रंग लूँगा कि ये जूता आसानी से दिखे। मैं फटाफट से का कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप चाहे तो और कोई रंग ले सकते हैं, मैं फिलहाल ये वाला रंग से काम चला लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए रंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये टेक्निक ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा जो बैकग्राउंड है काफ़ी स्टिल है, ऐसा लग रहा है कोई इमेज है, तो उसमें हल्का सा मैं मोशन डालूंगा। अब जैसे ही आप अपने 4 कलर ग्रेडियंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये 4 डॉट यहाँ दिखाई दे रही होंगी, ये हर एक डॉट रंग की है। ये देखिए हर एक डॉट पर रंग है। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे मूव करूँगा तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड ना हल्का फुल्का आपको एनिमेटेड दिखेगा। अब मैं इसको चलिए वहीं पर रख देता हूँ जहाँ पे ये था। इस पर एक और इफेक्ट डालते हैं पहले, उसका नाम है ट्विरल, TWIRL। मैं इसको डाल देता हूँ ठीक इसके नीचे। अब एंगल को मैं हल्का सा चेंज करूँगा, ये देखिए मैंने चेंज किया तो आप देख पा रहे होंगे हमारा बैकग्राउंड हल्का सा चेंज हुआ है। मैं एक बार इफेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ हल्का सा एंगल चेंज करने के बाद। ये देखिए आप देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बन गया। अब दिक्कत ये है कि ये कटा हुआ है यहाँ पे, तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपल इस बैकग्राउंड को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है। अब नीचे वाले को सिलेक्ट करूँगा और उस पर से ये ट्विल वाला जो बैकग्राउंड है इसको निकाल दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिए। फिर से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा बैकग्राउंड कुछ बना हुआ है इस तरह से। आप चाहे तो ये एंगल कम कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ठीक दिखे। मैं अराउंड 30 डिग्री के आसपास कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं रखते इसको, कम ही रखेंगे। इसका सेंटर पॉइंट ये रहा। मैं इसको इफेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने कलर यहाँ से चेंज कर दूँगा। चलिए इसको एनिमेट करते हैं। एनिमेट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाऊँगा, पहला जो मेरा फ्रेम है वहाँ पे, और उसके बाद ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे इसको मूव करने के बाद तो ये 0.4 है, तो मैं इस पर एक की फ्रेम लगा दूँगा। अब 10 सेकेंड बाद मैं इस की फ्रेम को मूव कर दूँगा। यहाँ पे देखिए अगर आप प्ले करके देखेंगे तो ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो एनिमेट हो रहा है। आप चाहे तो हर एक पे लगा सकते हैं ये की फ्रेम। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पिंक थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, कुछ इस तरह से। तो ये है कुछ मेरा बैकग्राउंड एनिमेट हो रहा है। आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। वैसे मैं एक पूरी की पूरी वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि आप और अच्छे अच्छे बैकग्राउंड बनाना सीख सकें। तो अब हम अपने टेक्स्ट पे काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर नहीं रहा हूँ, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा धीरे धीरे। हम फिलहाल बेसिक पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। अब मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है ताकि मैं उसके अंदर टेक्स्ट अपना दिखा सकूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले ये जो लेयर थी इनको अनसेलेक्ट किया। अनसेलेक्ट करने के बाद आपको टूल्स पर जाना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद मेरा जो फिल है वो मैं नन कर दूंगा क्योंकि मुझे अंदर इसके कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस स्ट्रोक की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रोक लिया हुआ है, मेरा नन नहीं है, मैंने सॉलिड लिया हुआ है, और जो कलर है वो वाइट है और जो साइज़ है वो 10 पिक्सल्स है। अब मैं इसको हल्का सा स्क्वायर बना देता हूँ, उसके लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा स्क्वायर करने के लिए। ये देखिए मेरा फिल आ गया है, तो मैं इसको नन कर देता हूँ फिर से। देखिए सिर्फ स्ट्रोक आ गई है, अब बाकी कुछ नहीं है। अब इसको थोड़ा एनिमेट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जब शूज़ यहाँ से मूव होना शुरू कर देता है इस तरह से, तो मैं तब इसको दिखाना शुरू करूँगा। उसके लिए जो मैंने शेप लेयर बनाई है, सबसे पहले तो मैं इसको रीनेम करूँगा ताकि मैं इसको आसानी से पहचान सकूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ स्ट्रोक। स्ट्रोक करने के बाद आप जैसे ही इस लेयर को ओपन करेंगे इस एरो पे क्लिक करके,
तो आपको एक ऐड नाम का बटन यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और ट्रिम पाथ चूज कर लीजिए। ट्रिम पाथ को ओपन कीजिए और यहाँ पे आपका एंड और स्टार्ट है। देखिए इस आप इस स्ट्रोक को एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं इसको 0% कर लेता हूँ और फिर एंड पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ। 2 सेकंड के बाद इसको मैं पूरा दिखा दूंगा। देखिए कुछ इस तरह से ये हुआ है एनिमेट। अगर आप चाहें तो और भी चीज़ कर सकते हैं, आप इस पर रोटेशन भी लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार रोटेशन लगा के देखते हैं। मैं आर दबाता हूँ और एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब मुझे पता नहीं है मेरा जो ये पाथ था कब ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए मैं दोनों की फ्रेम एक बार शो करना चाहूँगा। दोनों की फ्रेम शो करने के लिए आपको यू दबाना है, यू से आपके दोनों की फ्रेम दिख जाएंगे। अब एंड वाले की फ्रेम पे जाना है और रोटेशन को बढ़ा देना है। मैं करीब 90 डिग्री कर लेता हूँ क्योंकि एक स्क्वायर है तो 90 डिग्री भी इसका ऐसा ही दिखेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस तरह से एनिमेशन दिख रहा है, काफ़ी ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोनों की फ्रेम को, और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे F9 दबाना है। बिल्कुल सही, F9 दबाने के बाद मैं फिर से इस पर जाता हूँ ग्राफ एडिटर पर और ग्राफ को हल्का सा चेंज कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा ही। वापस आके अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखा आपने, बढ़िया। आप चाहे तो स्लो कर सकते हैं, चलिए मैं हल्का सा स्लो कर देता हूँ, थोड़ा फास्ट लग रहा था। फिर से प्ले करके देखते हैं, बढ़िया। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं। टेक्स्ट डालने के लिए मैंने फिर से लेयर को अनसेलेक्ट किया, टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू अराइवल, न्यू, एंटर, अराइवल। मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं एक बार न्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा। वैसे मैं खंड फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैंने मूव टूल लिया और इसको मूव कर दिया, यहाँ पे सेंटर में लगा दिया। अब इस पर हल्का सा एनिमेशन डालना है, तो एनिमेशन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं किस्मत से, तो उसके लिए आपको जाना है जहाँ पे आपका एनिमेशन होना शुरू हुआ, कुछ 1 सेकंड 24 फ्रेम। यहाँ पे जाने के बाद आपको इफेक्ट में फिर से जाना है और यहाँ पे लिख देना है कैस्केड। अब इसका जो नाम है थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं सिर्फ कैस्केड लिख देता हूँ, आप चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं। तो मैं ये जो बीच वाला है इसको डाल देता हूँ और कुछ एनिमेशन इस तरह से दिखेगा, काफ़ी अच्छा है। एक बार यू प्रेस कीजिए, ये देखिए इस पर की फ्रेम लग चुके हैं। चाहे तो आप इसको स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए मैं की फ्रेम को आसपास लेके आऊँगा, इस वाले की फ्रेम के पास, तो अपने आप ही टेक्स्ट का जो एनिमेशन है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एनिमेशन ना डालें तो आप दूसरा डाल सकते हैं, तो मैं नीचे वाला डाल देता हूँ, ये वाला, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ डबल क्लिक किया है और पुराने वाले को मैंने हटा दिया था पहले अंडू करके Ctrl-Z। जी देखिए ये हमारा दूसरा टेक्स्ट एनिमेशन है, इसको भी फास्ट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे की फ्रेम को शो करना पड़ेगा, उसके लिए यू दबाएं, लेयर सेलेक्ट करने के बाद यू दबाएं और की फ्रेम को पास ले आइए। अब इसको प्ले करके देखिए, बढ़िया। अब लास्ट चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, हल्का सा इस पर स्क्यू डालना चाहूँगा, तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इस पर डाल लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म पर जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है हल्की सी चेंज कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्की सी, -10 भी काफ़ी है, -10 कर लेते हैं, सॉरी -10 कर लेते हैं। अब इसको हल्का सा नीचे की तरफ मैंने प्लेस किया तो ये मेरा टेक्स्ट एनिमेशन बन चुका है। आप चाहे तो इसमें और भी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको एनिमेट कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। ये देखिए करीब 10 से 15 मिनट के अंदर हमने इतने अच्छे एनिमेशन को बना दिया। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं ऐसी और मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही।